ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पीसीडी नंबर 3957, क्लैरिफाइड ऑन 26/4/2022। प्रातः क्लास चल रहा था 18 मई 1964। द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 18th मई 1964 वॉज इन प्रोग्रेस। तीसरा पेज। थर्ड पेज। सेल्वेज कौन करती हैं? हु सेल्वेजेस एवरी वन? तुम सब हो शिव शक्तियां, ऑल ऑफ यू आर द शिव शक्तिस। बाप कहते हैं मैंने तुमको पावन बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था। द फादर सेज आई मेड यू इन टू द मास्टर ऑफ हेवन आफ्टर मेकिंग यू प्योर। माया ने पतित बनाया है। माया मेड यू इम्प्योर। अब फिर तुमको महाराजा महारानी बनाती है। नाउ आई मेक यू इन टू किंग्स एंड क्वींस अगेन। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, योर्स इज द पाथ ऑफ हाउस होल्ड। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, द सन्यासीज हैव द पाथ ऑफ रिनन्सिएशन। वो है उनका हद का सन्यास, देयर्स इज द लिमिटेड रिनन्सिएशन और ये है तुम्हारा बेहद का संन्यास। एंड दिस इज योर अनलिमिटेड रिनन्सिएशन। आजकल दुनिया में सन्यासी तो बहुत हैं, नाउअडेज देयर आर मेनी सन्यासीज इन द वर्ल्ड। ये है ही रौरव नरक, दिस इज सर्टेनली द हॉरिबल हेल। इसमें सभी मनुष्य बिच्छू टिंडन एक दूसरे को काटते रहते हैं। हियर ऑल द ह्यूमन बींग्स आर स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। दे कीप बाइटिंग ईच अदर। इसलिए कहा जाता है कि आसुरी संप्रदाय है। दिस इज वाई इट इज सेड दैट दे आर दोज ऑफ द डिमोनिक कम्युनिटी। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। द ह्यूमन बींग्स आर इन कंप्लीट डार्कनेस। घोर अंधियारे में रखता लाया है रावण आसुरी बुद्धि। रावण द वन विथ अ डिमोनिक इंटेलेक्ट हैज ब्रॉट देम इन कंप्लीट डार्कनेस। जैसे कि अब ईश्वर, अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि से तुम क्या बनती हो, वॉट डू यू बिकम थ्रू द ईश्वरीय इंटेलेक्ट नाउ और आसुरी बुद्धि से तुम क्या बन पड़ी हो। एंड वॉट हैव यू बिकम थ्रू द डिमोनिक इंटेलेक्ट। अभी तुम कहती हो शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा हम बच्चे बने हैं। नाउ यू से वी हैव बिकम द चिल्ड्रन ऑफ शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। प्रेमदेव भी बच्चे बनेंगे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र बच्चे, फिर ईश्वरीय बच्चे बनेंगे। फिर कलप पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे ही। देन वी विल बिकम द डिवाइन चिल्ड्रन, देन द क्षत्रिय चिल्ड्रन, देन द वैश्य एंड शूद्र चिल्ड्रन। After that, we will become the ईश्वरीय children again. We were certainly the ईश्वरीय children a kalpa ago as well. बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, You received the inheritance of heaven from Baba. तो उनकी श्रीमत पर चलना है। So, you have to follow his श्रीमत. विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव, The Yadavs and Kauravs are those with an opposing intellect at the time of destruction. तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव, So, the Kauravs are those with an opposing intellect at the time of destruction. फिर विनाश काले प्रीति बुद्धि हो तुम पांडव। Then, you Pandavs are those with a loving intellect at the time of destruction. जिनकी ही जय जयकार होनी है, There will be cries of victory only for them. तुम हो शिव शक्ति भारत माता। You are the Shiv Shakti, Mother India. इसमें गोप गोपियां दोनों हैं, There are both gopis as well as gopis among them. नाम माताओं का करना है। The mothers have to be glorified. माताओं को ही बहुत रुलाया है, They have made the mothers themselves cry a lot.
द्रौपदी को नग्न किया है। दे हैव मेड द्रौपदी ने किल्ड। कहती है भगवान हमें नग्न होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते। शी सेज गॉड सेव मी फ्रॉम बीइंग नेकेड, सो द फादर कम्स एंड सेव्स हर। बचाते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है। ही सेव्स हर एंड यू रिसीव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। जितना इकट्ठी करना चाहिए प्रॉपर्टी, द मोर यू वॉन्ट टू कलेक्ट इट। मीठा बाबा शिव बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। स्वीट बाबा शिव बाबा वी विल डेफिनेटली टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम यू। वर्षा तो शिव बाबा से लेना है ना। यू सर्टेनली हैव टू टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम शिव बाबा, डोंट यू। गाते भी है ईश्वर की गतमति न्यारी। दे ऑल्सो सिंग द वेज एंड डायरेक्शन ऑफ गॉड आर यूनिक। वो ही जाने और न जाने कोई। ही हिमसेल्फ नोज इट, नो वन एल्स नोज इट। तुम अब जानते हो ईश्वर की गतमति। बच्चे तो जानते हैं, फिर बच्चों को शो भी करना है। नाउ यू नो द वेज एंड डायरेक्शन ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन सर्टेनली नो इट, देन दे ऑल्सो हैव टू शो इट। तो बच्चों को स्थाई सुख शांति का वर्षा साथ में ही देता है। सो द इटर्नल इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस डजंट लास्ट विद द चिल्ड्रन। बाकी अल्पकाल की शांति तो कोई काम की नहीं है। एज फॉर द रेस्ट टेम्पररी पीस इज सर्टेनली ऑफ नो यूज। माँ बाप कहती हो तो बच्चों को मदर फादर का शो करना पड़े। वेन यू कॉल हिम द मदर एंड फादर, द चिल्ड्रन शुड शो द मदर एंड फादर। ये फादर मदर कौन है जो बच्चे बैठे बताते हैं। हु आर द मदर एंड द फादर अबाउट हुम द चिल्ड्रन एक्सप्लेन। ये मदर फादर तो सारी वर्ल्ड में है। वो कोई वर्षा देते हैं कोई न कोई। देर आर मदर्स एंड फादर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, दे गिव सम और द अदर इनहेरिटेंस। और यहाँ तो बरोबर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला। हियर ट्रूली यू हैव रिसीव्ड द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन फ्रॉम द फादर। और अभी तो कलयुग की अंत है, फिर जरूर बाप से जितना चाहिए उतना लो। नाउ इट इज द एंड ऑफ द आयरन एज, देन बाय ऑल मींस टेक इट फ्रॉम द फादर एज मच एज यू वॉन्ट। सन शोज फादर, फादर शोज सन। द सन शोज द फादर एंड द फादर शोज द सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा सारा उतर जाएगा। द फादर जस्ट सेज रिमेम्बर मी, देन ऑल योर बर्डन विल बी लाइटेंड। याद का चार्ट रखना चाहिए हम कितना समय बाप को याद करते हैं। यू शुड मेंटेन द चार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, यू शुड चेक हाउ लॉन्ग डू वी रिमेम्बर द फादर। ऐसे नहीं कि हम तो हैं ही शिव बाबा की संतान। इट शुडंट बी दैट यू थिंक, नो डाउट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ शिव बाबा। परंतु कहते हैं। बट ही सेज कितना याद रखते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू रिमेम्बर मी। चार्ट रखो मुख्य बात है। मेंटेन द चार्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। योग नहीं पढ़ता है। यू डोंट हैव योग। भारत का प्राचीन योग है तो मशहूर। द एंशियंट योग ऑफ भारत इज सर्टेनली फेमस। वो है उनका हठ योग, राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। देयर इज हठ योग, द फादर हिमसेल्फ टीचेस राजयोग। वो तो बहुत फिसर मिसल है। दैट इज वेरी मच लाइक फिसर, दैट इज अ सिंधी वर्ड। उनका है हद का संन्यास। देयर इज द लिमिटेड रिनन्सिएशन। तुम्हारा वेद का संन्यास प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो। Yours is the unlimited renunciation. Remember the father so much while living in the household. बात करो बाप।
टॉक विथ हिम। अंत समय में औरों की याद ना आए। यू शुडंट रिमेम्बर अदर्स इन द एंड। आत्मा को एक बाप को याद करना। द सोल हैज टू रिमेम्बर द वन फादर। तभी विकर्मा जीत बन सकेंगे। ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम विकर्मा जीत, दैट इज विक्टोरियस ओवर रॉन्ग एक्शंस। विकर्मा जीत और तो कोई बनाए न सके। नो वन एल्स कैन मेक यू विकर्मा जीत। बल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल का मिल जाता है। ऑल्दो यू रिसीव द फ्रूट ऑफ योर फीलिंग्स टेम्पररीली। और कोई से पावन तुम नहीं बन सकते हो। यू कांट बिकम प्योर थ्रू एनीवन एल्स। भक्त कितना माथा मारते हैं। द डिवोटीज रैक देयर ब्रेन्स सो मच। सो भी जाग नहीं सकते हैं। नेवरदलेस दे कांट वेक अप। भगवान यह जगाने वाला। गॉड हिमसेल्फ इज द वन हु वेक्स देम अप। और वो एक ही बार आते हैं, कहते हैं हू बहू 5,000 वर्ष पहले माफिक आया। एंड ही कम्स जस्ट वंस एंड सेज आई हैव कम एग्जैक्टली द सेम वे आई केम 5,000 ईयर्स अगो। फिर से शिकिल के बच्चों से आकर के मिला हूँ। आई हैव कम एंड मेट द लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड दैट इज शिकिल दे चिल्ड्रन अगेन। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। द सोल्स एंड द सुप्रीम सोल स्टेड सेपरेट फॉर लॉन्ग टाइम। ये कौन सी आत्माएं हैं? विच सोल्स आर दे? जो बहुत काल दूर रही है। दोज हु हैव स्टेड सेपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनको ही पहले आना है। दे देमसेल्व्स हैव टू कम फर्स्ट। अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। मेनी रिलीजन्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द वन रिलीजन विल बी एस्टैब्लिश्ड। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। देन दे विल बिकम दोज ऑफ द गोल्डन एज एंशियंट डेटी रिलीजन। दूसरा तो कोई धर्म होगा ही नहीं। देयर वोंट बी एनी अदर रिलीजन एट ऑल। तो अब तुम वो शिकिल दे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी, पहले शिकिल दे फिर सुदर्शन चक्रधारी। सो नाउ यू दोस वेरी शिकिल दे चिल्ड्रन स्वदर्शन चक्रधारी, फर्स्ट यू आर शिकिल अधे एंड देन स्वदर्शन चक्रधारी। और ये तो देवताओं का टाइटल है। एंड दिस इज द टाइटल ऑफ द डेटीज। देवताओं को ही दे दिए। द डेटीज देमसेल्व्स हैव बीन गिवन इट। 18 मई 1964 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। फोर्थ पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 18 मई 1964। ऐसे भी नहीं है, मुझे ये टाइटल दिए हुए हैं, तुम बताते हो। इट इज इन दैट आई हैव बीन गिवन दीज टाइटल्स। यू टेल पीपल। ये नॉलेज है जो बाप देते हैं वो सबको देनी। यू हैव टू गिव दिस नॉलेज दैट द फादर गिव्स टू एवरीवन। तुम्हारा गॉड फादर कौन है? हु इज योर गॉड द फादर? और वो सुख शांति का वर्षा देने आया है। एंड ही हैज कम टू गिव यू द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। उसे सब कुछ मिलता है, फिर उसे याद करो। यू रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम हिम देन रिमेम्बर हिम। कहते हैं ओ वर्ल्ड फादर तो फिर सर्वव्यापी। दे से ओ वर्ल्ड फादर देन दे से ही इज ओमनी प्रेजेंट। सर्वव्यापी कैसे कहते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाता। हाउ डू दे कॉल हिम ओमनीप्रेजेंट? इट इज सर्टेनली रॉन्ग। वो तो कहते हैं मैं आता हूँ। ही इनफैक्ट सेज आई कम। आत्मा तो कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। द सोल सर्टेनली सेज आई लीव वन बॉडी एंड टेक ऑन अनदर। परमात्मा ऐसे थोड़े ही कहेंगे। द सुप्रीम सोल सर्टेनली वोंट से दैट। वो तो झूठ बताते हैं। दे स्पीकर लाई। और फिर इन झूठ बोलने वालों की महिमा कितनी है। एंड देन देयर इज सो मच ग्लोरी ऑफ दीज वंस हु स्पीक लाइज। बाप आते हैं तुम बच्चों को समझाते हैं। द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू चिल्ड्रन।
आगे तो सन्यासी भी आते हैं। Earlier, even the sannyasis used to come. वो हृदय के सन्यासी तुम्हारे चरणों में गिरे। Those limited sannyasis fell at your feet. वो माता गुरु बगैर बाप का परिचय कौन देवे? Who will give the father's introduction except for the mother guru? माताओं पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। So there is a great responsibility on the mothers. गांधी ने वो कितना सहन किया, जेल में गया। गांधी tolerated so much. He went to jail. तुम बच्चों को भी सहन करना होता है। You children also have to tolerate. हाँ, माया भी तंग करती है। Yes, माया troubles you. हर एक अपनी अपनी बीमारी के लिए सर्जन से मत ले सकते हैं। Everyone can take directions from the surgeon for the illness. बाबा, इस हालत में हम क्या करें? बाबा, what should I do in such a situation? कदम कदम पर मत लेने से। By taking his direction at every step, पक्का हो जाएगा कि तुम्हारे एक हर कदम में पदम है। It will be certain that you earn multi-million fortune at every step. और एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। Each and every version is worth lakhs of rupees. तुम बच्चों को सृष्टि का कल्याण करना है। You children have to bring about the benefit of the world. कल्याण करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। You will become the masters of the world only when you bring about the benefit. कल्प कल्प तुम बच्चों को मालिक बनाए, मैं चला जाता हूँ। I go back after making you children into masters every cycle. अपने आप सब कुछ करके फिर अपने आप को छुपा लेता हूँ। I hide myself after doing everything myself. तुम कहते भी हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। You do say that everything is given by God. और फिर मैं लेता हूँ तो फिर रो पड़ते। However, when I take it, you start crying. भक्ति मार्ग में तो सब कहते हैं कि बाप ही सब कुछ देते हैं। Everyone certainly says in the path of bhakti that the father himself gives everything. तो ईश्वर का था तो उसने ले लिया। It belonged to God, hence he took it back. यहाँ तो बच्चे ईश्वर को वारिस बनाते हैं। Here the children make God their heir. ईश्वर है फिर बच्चों को वारिस बनाते हैं। Then God makes the children his heirs. बाप कहते हैं रिटर्न में बच्चों को इतना देता हूँ जो फिर कब लेंगे ही नहीं। The father says, I give the children so much in return that they will never take anything. मैं तुम बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव सोरो टू यू चिल्ड्रन। ये तो उनको हक नहीं है, कलंक लगाते हैं। दे डोंट हैव दिस राइट, दे डिस्ग्रेस मी सेइंग कि ईश्वर ही दुख देता है, परंतु नहीं। गॉड हिमसेल्फ गिव सोरो बट नो। मैं तो सुख ही देने आया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू ओनली हैप्पीनेस। और वो सुख जितना चाहे उतना लियो। एंड टेक इट एज मच एज यू वॉन्ट। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। ईच एंड एवरी वन हैज टू मेक देयर पुरुषार्थ। अब जितना करेंगे उतना पावेंगे। वेल दे विल रिसीव इट टू द एक्सटेंट दे डू इट। कमाई तो तुम बच्चे ही करते हो। इट इज यू चिल्ड्रन हु मेक एन अर्निंग। बाकी जिनको विनाशी धन का नशा रहता है वो तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। As for the rest, those who have the intoxication of the perishable wealth, no doubt everybody's wealth will be mixed in soil. तो बाप से वर्षा ले भरपूर बन जाते। You become prosperous after taking the inheritance from the father. अभी तुमको महादानी बनना है। Now you have to become a philanthropist. रूहानी अविनाशी रत्नों का दान करना है। You have to donate the spiritual imperishable gems. अच्छा,
सिकील दे मीठे बच्चों को नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ फ्रॉम द मदर एंड फादर बाप एंड दादा टू द लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड स्वीट चिल्ड्रन। चैम्बर में। इन द चैम्बर। चिट्ठी लिखो तो भी शिव बाबा को, केयर ऑफ ब्रह्मा अथवा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारियां लिखो तो भी कोई हर्जा नहीं है। इवन इफ यू राइट अ लेटर, राइट शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा और केयर ऑफ ब्रह्म कुमारीज, देयर इज नो हार्म। शिव बाबा तो याद आना चाहिए ना। यू शुड रिमेम्बर शिव बाबा, शुडंट यू? बाप कहते हैं मीठे बच्चे, माँ बाप मिसर सदा गुलाब बनो। द फादर सेज स्वीट चिल्ड्रन ऑलवेज स्टे लाइक अ रोज लाइक द मदर एंड द फादर। तुमको सदा सन्मुख रहना है। यू ऑलवेज हैव टू स्टे सन्मुख। बाप आशीर्वाद करते हैं ना। द फादर गिव्स यू ब्लेसिंग्स, डजंट ही? नूरे चश्मा आंखों के तारे, बच्चों पर बाप का बहुत प्यार होता है। The father has a lot of love for the children who are the light of his eyes, the apple of his eyes. समझते हैं बच्चा कुल की वृद्धि करने वाला है। He thinks that the child is going to carry on the clan. ये भी अदा का बाप भी बहुत प्यार करते हैं। This unlimited father also loves such children a lot. लिखते हैं सदा सलामत रहो। He writes, may you always be safe. और बाप तो सदा सलामत है ही है। नो डाउट द फादर इज ऑलवेज सेफ। बाप कहते हैं योग में रहने से माया हैरान नहीं करेगी। द फादर सेज माया वोंट हैरेस यू इफ यू स्टे इन रिमेम्बरेंस। सर्जन से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। यू शुडंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द सर्जन। बाबा से चिट्ठी लिख करके पूछो, बाबा राय देंगे। Write a letter to Baba and ask him. Then he will give you directions. देखो कहाँ ब्रह्मा कुमारियों में खिटे पिटे है तो छठ बाबा को लिखो। Look, if the Brahma Kumaris fight with each other, write about it to Baba immediately. परंतु 10-12 लोग लिखे तब नाम तो एक के कहने से तो हम नहीं मानूंगा। But If 10 to 12 people write it, only then will I believe it. I won't believe it if only one person tells me that. बच्चों को सब समाचार पूरा देना चाहिए। The children should give him all the news. टीचर कैसे कैसे हैं बताना चाहिए। They should tell how the teachers are. वो टीचर खुद तो अपनी कमी लिखेंगे नहीं। The teachers themselves won't write about their weakness. तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, फिर बाबा प्रबंध कर देंगे। सो द स्टूडेंट्स कैन राइट इट, देन बाबा विल मेक अरेंजमेंट्स। वरना बाबा समझते हैं कभी ब्राह्मण से रूठ खाना है, खराब अपना खाना करना है। बाबा थिंक्स बिकमिंग डिसप्लीज्ड विद द ब्राह्मणी इज स्पॉइलिंग योर फॉर्च्यून। पढ़ाई छोड़ी और ये मरा, बस मसूर बना। If you leave the studies, you will die immediately. You will become Bhasmasur. Baba ki mat par chalna chahiye. You should follow Baba's directions. Aajkal koi bigadte hai to bada hangama karte hai. Nowadays, if someone gets angry, they create a lot of commotion. Apna hi satyanash kar dete hai. They bring their very ruination. बाप कहते हैं बाप का बनकर ऐसे बाप को फारकती नहीं देना। द फादर सेज डोंट लीव द फादर आफ्टर बिलोंगिंग टू हिम। नहीं तो रोना भी तुमको ही पड़ेगा। अदरवाइज यू योरसेल्फ विल हैव टू क्राई। माया एक अजगर है, खबरदार रहना। माया इज अ पाइथन, बी केयरफुल। बच्चे सदा सुखी सलामत रहने वाले नंबरवार पुरुषार्थ संताज बच्चों से माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख प्रेम से याद प्यार। विदाई।
रिमेम्बरेंस लव एंड फेयरविल विद द हार्ट एंड स्पिरिट अफेक्शन एंड लव नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ फ्रॉम द मदर एंड द फादर बाप एंड दादा टू द चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड सेफ. ओम शांति.